मुरादाबाद पीतल नगरी CPS पब्लिक स्कूल सूरजनगर में हेमराज सिंह संस्थापक ने बताया कि हमने अपने विद्यालय में बच्चों के लिए जो सुविधा उपलब्ध कराई है, क्षेत्र के सामाजिक लोगों से प्रार्थना है कि बच्चों का एडमिशन कराकर उन सुविधाओं का लाभ उठाएं, ताकि बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो सके। बच्चों के माता पिता का पूर्ण सहयोग चाहिए। हमने अपने विद्यालय में क्षमता अनुसार कोर्ट में बदलाव किया, ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों की पढ़ाई कोचिंग के रूप में पढ़ाई जाएगी। यदि बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग और सिविल सर्विस के लिए उच्चतर स्तर पर कोचिंग या एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके लिए विद्यालय के संस्थापक हेमराज सिंह द्वारा पूरी मदद की जाएगी। प्रत्येक महीने बच्चों का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, ताकि आने वाली बीमारियों से बच सके। प्रत्येक महीने बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा तथा टेस्ट की कॉपी अभिभावकों को दिखाई जाएगी। कमजोर बच्चों का ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। हमारे विद्यालय में 25 कमरे हवादार तथा प्रत्येक कमरे में 2 पंखे लगे हैं। बच्चों को 2 घंटे कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाएगा। खेलने का बड़ा मैदान जिसमें झूले, रिंग आदि लगे हुए हैं। छोटे बच्चों के लिए प्ले जोन की व्यवस्था है। मीटिंग में प्रधानाचार्य ऋतु सिंह, राम भरोसेलाल शर्मा देवी, अंकित भटनागर, विनेश प्रजापति, काशी क्षमता गुप्ता, कंचन शर्मा आदि लोग मौजूद रहे।
सर CBS पब्लिक स्कूल सूरजनगर में जो है इसके लिए कुछ आपसे मैं बात करना चाह रहा था सर, आप बताएंगे इसमें कितने रूम हैं? इस विद्यालय में 25 रूम हैं सर। पर रूम के अंदर कितने पंखे लग रहे हैं? करीब 50 पंखे लग रहे हैं। और सर पानी की सुविधा क्या है सर? पानी पर्याप्त सुविधा है। पानी के लिए क्या लगाया पड़ा है सर? डबल टैंक है और पर्याप्त मात्रा में टंकी लगी हुई है बच्चों के लिए। सफाई की पूरी व्यवस्था है। और सर कंप्यूटर रूम में बच्चों ने क्या सुविधा है? कंप्यूटर रूम में प्रशिक्षित कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और समय अनुसार पढ़ाया जाता है उन्हें कंप्यूटर। सर किस समय से किस समय तक पढ़ाया जाता है? 9 बजे से 10 बजे तक और 11 से 12 बजे। सर कौन से क्लास तक ये कॉलेज चलता है? अगर छोटे बच्चे भी इच्छुक हैं तो उन्हें पढ़ाया जाता है और बड़ों को तो पढ़ाई पर अनिवार्य है। सर जूनियर है या सेकंड ईयर? हायर सेकेंडरी स्कूल है। इंटर है। और सर कुछ खास सुविधा जो आप आगे के लिए देना चाहते हैं वो बताएंगे सर? आप आगे की आप जनता के लिए कुछ बताएं यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए? इस साल से जो बच्चे बड़े स्तर के हैं, बड़े बच्चे हैं, उन्हें सिविल सर्विस, मैकेनिक, इंजीनियरिंग, मेडिकल के परीक्षा में आगे बैठने के लिए उन्हें कोचिंग के रूप में पढ़ाई की जाएगी ताकि भविष्य में बच्चे अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर और बैंक मैनेजर बन सके। कमजोर बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? कमजोर बच्चे के लिए एक स्पेशल टीम, विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है। हर महीने टेस्ट लिया जाएगा और हर महीने टेस्ट लेने के बाद अभिभावक गोष्ठी की जाएगी। अभिभावक गोष्ठी में ही कॉपी दिखाई जाएंगी। जो बच्चे कमजोर पाए जाएंगे उसके लिए विशेषज्ञ टीम नियुक्त की गई है जो स्पेशल रूप से उनकी पढ़ाई को देखेगी। सर ड्रेस के बारे में और किसके बारे में कुछ क्या? अभिभावकों की राय लेकर के ड्रेस चेंज की जाएगी और ड्रेस ऐसी ड्रेस सिलाई जाएगी जो आकर्षित हो। अब कौन सी ड्रेस चल रही सर? अब तो सफ़ेद ब्लू शर्ट और सफ़ेद पैंट चल रही है। सर कौन सी ड्रेस का मुस्तबा आपने लगाने आने बच्चों के लिए? टीचर से और अभिभावकों से राय ली जाएगी। डिफरेंट टाइप के कपड़े लेके आएंगे जिसे अभिभावक और टीचर चाहेंगे उसी कलर की शर्ट और पैंट लगाएंगे। सर क्या बच्चों को बजे में मिलता है? बजे पर दिया जाता है। जो बच्चे फार्म भरते हैं जो उसके योग होते हैं उन्हें बजे पर दिया जाता है। सर इस साल कितने बच्चों को बजे पर मिला? इस साल करीब 300 बच्चों ने फार्म फिलअप किए थे जिन्हें बजे पर उनके खाते में भिजवाए थे। छोटा सर कितना होगा टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट नियर अबाउट बैठा गया 3 लाख के आसपास जो बच्चों को मिल चुका है। हाँ सर बच्चों के पेरेंट्स के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? विद्यालय ने हर माह अभिभावक गोष्ठी का आयोजन कर रहा है और जैसा कि पहले बताया कि हर महीने टेस्ट लिए जाएंगे और टेस्ट की कॉपी अभिभावकों को अभिभावक गोष्ठी में दिखाई जाएंगे और विद्यालय ये भी व्यवस्था कर रहा है कि हर अभिभावक के मोबाइल नंबर नोट किए जा रहे हैं और हर महीने मोबाइल नंबर से उन्हें बच्चों की स्थिति उनसे जानी जाएगी। सर बच्चों के लिए कुछ शुभकामना संदेश देना चाहेंगे आप? बच्चों के लिए शुभकामनाएं हैं कि हमारा बच्चे यूपी टॉप करें और अधिक से अधिक अफसर और इंजीनियर, डॉक्टर और बैंक मैनेजर बने। बेटा क्या नाम है आपका? कुसुम। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं आप? फर्स्ट ईयर। आपने क्या पास कराया है सर? हाई स्कूल। क्या बनना चाहती हैं अगले लिए आप बताएंगे? पुलिस। क्या महसूस कर रही हैं आप पास होने के लिए? बहुत अच्छा। क्या मिलकर आप बताएं इसमें किसका योगदान ज़्यादा समझते हैं आप? अपने स्कूल के सर का। किसका? अंकित सर का। अच्छा। और अपने पेरेंट्स के लिए, अपने अध्यापकों के लिए क्या संदेश देना वाला बताएंगे कुछ? जो आपके अध्यापक हैं
उन्होंने आपके साथ में क्या मेहनत करी होगी, इस स्टाफ ने आपके साथ में क्या मेहनत करी होगी, इसने किसका कार्य योगदान किसका रहा है बताएं आप। बहुत अच्छे से पढ़ाया हमें, बहुत मेहनत करी हमें पढ़ाने के लिए। क्या शुभकामना रहेंगी आपकी? बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। कहाँ बेटा आपका? तान्या शर्मा। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर की। क्या कहना चाहेंगी आप? आप बताएंगे कुछ? आप जो पास हुई हैं क्या महसूस कर रही हैं आप, क्या खुशी महसूस कर रही हैं, किस खुशी से खुशी किसके साथ बैठना चाहती हैं? अपने मम्मी पापा के साथ। इसमें किसका शेयर ज़्यादा समझती हैं आप? अपने टीचरों का, अपने पेरेंट्स का। अच्छा, अपने टीचरों का, अपने पेरेंट्स का। क्या संदेश रहेगा आपका परिवार के लिए और अपने चीफ स्टाफ के लिए? मैं संदेश यही है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ आगे चल कर और बहुत अच्छा काम करना चाहती हूँ इस देश के लिए। हाँ मैडम, क्या शुभ नाम है आपका? रितु सिंह ठाकुर। आप स्कूल में आपका क्या पद है? मेरा यहाँ पे पद डायरेक्टर का है। अच्छा, जो आपका स्कूल में फर्स्ट ईयर के हाई स्कूल के बच्चे पास हुए हैं उनके लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? मेरी तो बस यही शुभकामना है, जैसे बच्चों के साथ आगे उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ, उनका उज्ज्वल भविष्य हूँ। और आजकल ज़्यादातर पढ़ाई की पूछ होती है, अन्यथा उनकी पढ़ाई की शुभकामनाएं, पढ़ाई करें, अच्छे कोर्स करें, ताकि मतलब देश में एक अच्छा नाम पैदा हो उन लोगों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए भी। कहती जैसे वो कॉपरेट अब करें, आगे भी वो कॉपरेट ही करें, जितना हमसे कॉपरेट होता है इतना हम कॉपरेट करेंगे बच्चों को। क्या शुभकामनाएं रहेंगी आपकी? बच्चों के प्रति मेरी यही शुभकामनाएं है, बस वो उनका अच्छी पढ़ाई के लिए यही कॉपरेट करूँगी। अभी तो फिलहाल उनका जीवन अच्छा सुखदायी होना चाहिए, अच्छे मेहनत करें पढ़ाई के लिए।